हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे चना दाल का एकदम मजेदार सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चना दाल को भिगो के रख दिया था। इसमें डालेंगे काली मिर्च, जीरा, लहसुन और इसमें डालेंगे देखिए नमक, हल्दी, मिर्च दो डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे, नहीं तो ऐसे भी पीसा जाए तो पीस लीजिए। उसके बाद इसको उबालते हुए पानी में रख देंगे, 10 मिनट उबाल करेंगे इसको। 10 मिनट बाद देखिए हमारा जो है, देखिए चेक कर लीजिए चाकू या फिर लगा के, थोड़ा सा भी नहीं चिपका है। तो अब इसका हम पीसेस कट करेंगे। इधर देखिए हम पनीर का अंडा बना रहे थे, तो पनीर को पीस लेंगे मिक्सी में, इसको निकाल लेंगे। इसका अंडा का भीतर वाला जो है पार्ट बनाने के लिए सत्तू या फिर बेसन ले लीजिए। और इसको देखिए हम सत्तू ले लिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको देखिए दो बना लिए हैं। इधर देखिए हमारा जो चना दाल का इतना पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको कट लगा देंगे। देखिए पीसेस कितना अच्छा से कट आया है। तो इधर देखिए अंडा को तैयार कर लेते हैं। तो पनीर जो हमने पीसा हुआ था उसको अंडा तैयार कर लेते हैं। एक बार जरूर बनाइएगा, अंडा बहुत अच्छा लगता है पनीर का। तो देखिए हम दिखा रहे थे, बीच मेरे पास थोड़ा सा पनीर था तो मैंने सोचा बना के दिखा दूं, तो मैं बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा अंडा कितना अच्छा लग रहा है देख के, तो बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए इधर लहसुन को हम कूट लेते हैं सब्जी के लिए, और इसमें दालचीनी का टुकड़ा है, इसको कूटेंगे सब्जी में डालेंगे। ज्यादातर मैं कूट के मिर्च डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। इधर देखिए हम क्या करेंगे कि हम प्याज ये सब सब्जी के लिए कट लगा रहे हैं। इधर देखिए हम तल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो पीसेस कट किए थे चना दाल का, उसको तल लेते हैं अच्छे से, फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद इसमें डालेंगे अपना अंडा भी तलेंगे। तो देखिए हमारा अंडा जो है तैयार हो चुका है, इसको तल देंगे। उसके बाद देखिए हम तल देते हैं। तो देखिए हमारा अंडा जो है तल चुका है। उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सारे को हमने तल लिया है, देखिए कितना कुरकुरा बना है। उसके बाद देखिए ये जो है तेल डाल देंगे, तेजपत्ता मसाला बनाने के लिए। तो इधर देखिए हम मिर्च डाल रहे हैं और मेथी, जीरा, सरसों थोड़ा सा डाल दीजिए, सब हमने मिक्स किया हुआ है। इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद डालेंगे टमाटर, टमाटर भी डाल दिया हमने। उसके बाद सारे भून जाएंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, देखिए मसाले डालेंगे। तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाला है, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ मैं। तो इसमें काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल देंगे। उसके बाद देखिए गरम मसाला थोड़ा सा, उसके बाद लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको भी डाल देंगे। अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे। तो देखिए हमारा जो मसाला है भून रहा है। उसके बाद देखिए मसाले जो हैं थोड़ा भून चुके हैं, तेल छोड़ने लगा है, ज़्यादा तेल मैंने डाला हूँ नहीं है। तो देखिए इधर पानी डाल देंगे, पानी डालकर थोड़ा सा खोलने देंगे। उसके बाद हमने जो पीसेस कट किया है तला है उसको डालेंगे, अपना अंडा जो फ्राई किया है उसको डालेंगे, थोड़ा सा खोल जाएगा। तो उसके बाद देखिए हमने सारे पीसेस को डाल दिया, इसको थोड़ा सा उबाल लाएंगे। आप देख लीजिए कि आपको ग्रेवी कितना चाहिए, उसके हिसाब से अपना रसा रखिए। तो हम देखिए अंडा भी डाल दिए, उबाला गया था इसलिए। तो आपको अंडा बनाने में प्रॉब्लम हो, ज़्यादा थोड़ा गीला लगे, तो उसमें थोड़ा सा एकदम हल्का सा आप मैदा मिला सकते हैं। तो इधर देखिए हमारा जो अंडा, पनीर का अंडा कढ़ी या फिर चना दाल का सब्जी कढ़ी जो भी कहिए, बनके तैयार हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खाइए और एंजॉय कीजिए।